नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशांतदाता सुखी रहो। प्राचीन काल से हमारी हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं में से एक है नजर लगना। कभी कभार ऐसा होता है कि सब सही हो रहा होता है लेकिन एकदम से खराब हो जाता है, या फिर हम बीमार हो जाते हैं अचानक से, या फिर हमारा काम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। जब ऐसा होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर नजर लग गई होगी। इसको नजर लगना या टोक लगना भी कहते हैं। होता क्या है अगर इसे साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें, दो तरीके की ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और जब आपकी सकारात्मक ऊर्जा पे नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है तो उसी को नजर लगना, बुरी नजर लगना कहते हैं। लेकिन इसका कुंडली से भी संबंध होता है, तो बस आज इसी के बारे में बात करेंगे। पर अन्य कौन से विषय होंगे ये भी आपको बता देते हैं। कैसे लगती है नजर और किसे लगती है नजर? क्या बुरी नजर ने आपकी तरक्की रोक रखी है? बच्चों को जल्दी क्यों लगती है नजर और कैसे उतारे नजर? क्या है नजर या टोक से बचने के उपाय? तो चलिए शो की शुरुआत करूं, उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपना सवाल भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। बस मेल करते समय याद रखें कि आप उसमें ये लिखें कि आप हमारे शो पे कॉलर बनना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। या फिर अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके प्रश्न करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान जाएं और वहां निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जानें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे? पहला कॉलर है, उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई लिखाई में मन नहीं पूरी तरह से लग पाएगा, और आपके साथ कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है, और गृह जीवन में भी परेशानी का दिन आज नजर आ रहा है। इसीलिए अगर हो सके, खास करके जो बच्चे हैं वो थोड़ा संयम से, धैर्य से चले और उनका खास ख्याल रखा जाए आज के दिन। वृषभ राशि वालों के लिए दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। अगर आज आप लोग मन में अपने विचार नकारात्मक नहीं बनाते तो दिन उत्तम है। फिर कामकाज में अच्छा समय भी व्यतीत होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। भाग्य में हर संभव सहायता प्राप्त होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी इच्छा अनुसार सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं, और पारिवारिक सुख भी मिलेगा और कामकाज भी अच्छा बना रहेगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े गुरुदेव से सवाल भी पूछ लेते हैं। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं नजर लगने की। बिल्कुल। और प्राचीन काल से जैसे मैंने कहा चला आ रहा है, कभी कभी क्या होता है, नए कपड़े पहने, शादी गए और फोटोज खींची, बड़े खुश थे, घर आए और नजर लग गई, एकदम से बीमार हो गए, या बच्चों के साथ होता है रोना शुरू कर देते हैं। समझना तो मैं ये चाहूंगी कि पता कैसे चले कि नजर लगी भी है या नहीं लगी है। कंफ्यूजन तो सबसे बड़ी इसी बात होती है। प्राचीन काल से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये कहते आए हैं कि हमेशा दो चीजों से बच के रहना चाहिए। वो सबसे पहली चीज है बेटा बद्दुआ। बद्दुआ ये एक ऐसी चीज है बेटा कि कुंडली के अंदर चाहे कितने भी लाख राजयोग लिखे हों और इंसान बाहरी जिंदगी के अंदर कितना भी स्ट्रांग हो, अगर किसी को बद्दुआ लग गई, बद्दुआ का मतलब श्राप ही होता है बेटा, ये अगर लग गई तो इंसान का सिर्फ ये जीवन ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों तक का ये हाल खराब कर देती है। और ये वाकई में एक यूनिवर्स में ऐसी ताकत है जिसका आज तक हमें आभास तो होता है लेकिन कभी दिखाई नहीं दी। ये काम कैसे करती है ये भी नहीं पता, लेकिन ये काम बहुत करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसीलिए हमारी लाल किताब के अंदर भी बार बार बहुत सारी जगहों पे यह जिक्र आता है कि
ये इसका या इसके जीवन साथी का कहा हुआ जो शब्द होगा वो पत्थर पे लकीर होगा, और अगर इसने बद्दुआ दे दी तो वो जरूर लगेगी, दुआ चाहे लगे ना लगे। तो इस तरह के शब्द लाल किताब के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और हमने बहुत बार देखा है कि सच में जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बहुत अच्छा चल रहा होता है और जो कि सारे सुख समृद्धि दे रहा होता है, लेकिन इंसान का कई बार हाल बहुत खराब होता है। ये बहुत ही रेयर कुंडली में नजर आता है बेटा, लेकिन बहुत बार देखने को मिलता है। और ये कारण वाकई में किसी बद्दुआ के रीजन के कारण होता है। जब हम उस क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था और ये फलाने समय में क्या हुआ था ऐसा, तो वो स्वयं ही बताता है कि हाँ मेरे पास से ऐसा कर्म हुआ था और इस कारण से फलाने शख्स की एक बद्दुआ मेरे को लगी हुई है, मेरा ये मानना है। ठीक है। और दूसरी चीज होती है नजर लगना। नजर के लिए तो ये कहा जाता है कि बुरी नजर जो वाकई में बुरी होती है, अच्छी नजर भी होती है वो भी लग जाती है, लेकिन जो बुरी नजर होती है पहाड़ तक फोड़ने की हिम्मत रखती है। समझे, यानी कि हमारी नजर में ही इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती है। और जो तुम कहते हो बेटा, अभी तुमने जैसे कहा जी। कि हम तैयार होके जाते हैं तो वापस आते हैं तो हम बीमार होते हैं, बिल्कुल ये बुरी नजर नहीं होती, ये अच्छी नजर ही होती है। समझे, और ये अच्छी नजर बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो भावभूर होकर के और सिर्फ अपने को देख के ही, यानी कि जो अपना इंसान सामने होता है उसको देख के उनके मन में उमंग ऐसी उठती है और इतनी वो शिद्दत से देखते हैं, वो देते तो उसके साथ दुआ है, लेकिन अपनी नजर की खलल हमारे ऑरा को टोटली डिस्टर्ब कर देती है, ये अच्छे वाली होती है। और एक होती है दुश्मन की नजर, समझे, और वो ऐसी होती है कि वो जब लगती है तो इंसान बीमार नहीं होता, सिर्फ इरिटेट नहीं होता, आदमी बहुत बीमार हो जाता है। और वो उसका कारण भी कई बार बहुत ज्यादा समझ नहीं आ पाता, क्योंकि इंसान डायरेक्टली वहां तक पहुंचता है जिसमें कहते हैं कि बहुत बीमार हो गया और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आने लग गई। ठीक है, और एकदम से जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाती है। तो बेटा ये एक सिस्टम वाकई में बना हुआ है जिसके बारे में हम देख तो नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर कर पाते हैं कि ऐसा होता है। गुरुदेव, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो अक्सर दादी नमक से नजर उतारा करती थी कि हाँ मेरी पोती को नजर लग गई। पर एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी जिसका जवाब आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता, कि ये तो छोटे मोटे उपाय हम करते ही हैं, पर क्या असल उपाय हम कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को या हमें नजर ना लगे, किसी प्रकार की रुकावट ना आए हमारे जीवन में? बेटा वो दादी ये जानती थी, जब नमक से उतारा करती थी जी। तो वो ये जानती थी कि ये हो सकता है मेरी ही नजर मेरी पोती को लगी हो। जी जी, अक्सर कहते हैं। और सच बात है बेटा, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा ताऊ, बेटा इनकी नजर भी बच्चे को लगती है, और यही प्यार वाली नजर होती है। क्योंकि जब बच्चा वाकई में अटखेलियां करता है, बड़ा प्यारा लगता है, उस वक्त किसी को भी, खासतौर पर जो अपना है, उसका तो प्यार आ ही जाता है उस बच्चे में। और ज्यादा गौर से उसको देखना और ज्यादा गौर से देखते हुए उसकी ऑरा को टोटली डिस्टर्ब कर देना अपने भावों के साथ में ही, भावों की एनर्जी के साथ में, बेटा उसी को नजर लगना बोलते हैं। समझिए, और इस तरह की जो भी नजर हो वो वाकई में बहुत ही आराम से उतर जाती है। और उसके लिए शनि भी दो तरह के होते हैं बेटा, शनि एक बहुत बुरा होता है और एक बहुत अच्छा होता है। अच्छा यानी कि अच्छे वाले भाव के साथ जो नजर लगती है वो अच्छा शनि लगाता है, और उसको नॉर्मल शनि के वस्तु से ही उतारा जा सकता है, और वो होता है नमक। ठीक है, और जब हम वो नमक लेते हैं बेटा, नमक लेके उसको 7 बार जब बच्चे के ऊपर से उतार के हम वॉश बेसिन की भले टूटी में बहा दे उसे या वैसे ही बैठ दे बेटा, इसी से ही ऑरा हमारी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि जब अच्छे भाव से हमारे ऑरा बच्चे की डिस्टर्ब होती है तो एक तरह का ये राउंड में चलती है, और हम जब नजर उतारते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से वारते हैं। और लेकिन कई लोग सिर्फ सर से वारते हैं, लेकिन सर से वारना बेटा ये पूरा उपाय नहीं है। अगर ऑरा को बैलेंस करना है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज उसको लेकर के बेटा इस तरह से उसकी नजर उतारनी होती है बच्चे की, और उसके बाद में उसको जल प्रवाह कर दो, यानी या फिर वॉश बेसिन के टूटी में भले बहा दो, क्योंकि वो नमक अब
वो खाने लायक नहीं रहा, वो थोड़ा सा दूषित हो जाता है, उसमें और बहुत सारी औरा का मिश्रण आ जाता है। इस वजह से उस नमक को प्रयोग नहीं कर सकते, उसको बहा देना ही बेहतर है। तो नमक मारने से ये होता जाता है। एक और होता है जी। वो होता है बेटा कि किसी भी बच्चे की काबिलियत को देखते हुए उसे अपने बच्चे से या किसी और से कंपेयर करते हुए भाव के साथ उसको देखना, ठीक है। अब ये नजर किसको लगती है? ये नजर लगती है जो बहुत अच्छे बच्चे जिंदगी में राइज कर रहे होते हैं, या कई बिजनेसमैन या काम करने वाले जिनका नाम रोशन हो जाता है, वो खिलाड़ी जो जिंदगी में कुछ अलग कर जाते हैं बड़े, ये वाली जो नजर होती है ये भी अपनों की ही लगती है, गैरों की नहीं लगती, समझे। जो बिल्कुल पास में आकर के उस बच्चे को भाव विभोर होकर के देखता है बेटा, उसकी नजर लगती है, ठीक है। ये जो काबिलियत वाली नजर है बेटा, ये काबिल इंसान को जो लगती है, इसे बोलते हैं बुद्ध की नजर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, सामने वाले की जो क्षमताएं हैं उसका साथ छोड़ने लगती हैं, वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता और धीरे धीरे करके उसकी जो काबिलियत है वो गिरने लगती है। और इंसान को कभी छोटा मोटा पेट दर्द, कभी हल्का सा दर्द, स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन, ये सब आने लगता है। और उसकी एनर्जी लेवल पूरा बैलेंस नहीं रहने के कारण एनर्जी उसके शरीर से खत्म होती है और वो लो फील करने लगता है। और इस नजर को ठीक करने के लिए फिटकरी का उपाय किया जाता है, यानी कि फिटकरी लेकर के उसके सर से पांव तक 7 बार उतार के उसको तवे के ऊपर जला दिया जाता है। और हम यहां तक कहा जाता है कि जब उसको जलाया जाता है तो नजर लगने वाले की शक्ल भी बन जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लेकिन ये बात सत्य है कि फिटकरी से वो ऑरा बैलेंस हो जाती है और बच्चा उसी वक्त ही ठीक हो जाता है। और नजर उतारने का एक और सिस्टम होता है बेटा कि कम से कम 3 बार नहीं तो 5 बार ये प्रक्रिया करनी चाहिए। किसी भी तरह का नजर का उतारा हो, चाहे नमक वाली प्रक्रिया का उतारा हो, तो उसे सुबह शाम और सुबह इस तरह से उतारना चाहिए, या शाम सुबह और शाम इस तरह से उतारना चाहिए। और जो फिटकरी वाली है इसको भी इसी तरह से ही उतारना चाहिए कि कम से कम 3 बार नहीं तो 5 बार ये प्रक्रिया करनी चाहिए, तभी इंसान की नजर पूरी तरह से उतरती है। एक बार में ही आराम पड़ जाता है, लेकिन पूरी तरह से कम 3 बार नहीं तो 5 बार नजर का उतारा करो, तब जाकर के उतर। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। जैसे आज अनावश्यक खर्चे भी बड़े रहेंगे और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, पर घर में किसी के साथ अनबन भी हो सकती है और साथ ही कोई न कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। इसीलिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का दिन है। सिंह राशि वाले अगर आज अपने माता पिता के साथ बेमतलब की कोई अनबन ना करे तो दिन बहुत ही उत्तम है। भाई बंधुओं से सहायता मिलेगी, आज कोई खुशखबरी भी मिलेगी, घर परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होगा, तो इसीलिए दिन उत्तम है। माता पिता के साथ में सौहार्दपूर्ण रहिए आज। कन्या राशि वालों को आज के दिन रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है और उसके कारण विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, इस बात का खास ख्याल रखना है, वरना दिन उत्तम है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और शिक्षा में रुचि भी बनी रहे। बच्चा काला हो या गोरा हो, मोटा हो पतला हो, माँ बाप के लिए अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और गुरुदेव जो गर्भवती महिलाएं हैं, मुझे लगता है वो यही कामना करती हैं कि उनका जो बच्चा हो वो स्वस्थ हो, लेकिन उनके बच्चों को कोई नुकसान ना हो, बुरी नजर ना लगे, उसके लिए महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं जो गर्भवती है? बेटा, गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। और आप देखते ही हो कि जब भी कोई हमारे यहाँ औरत प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो सबसे पहले घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है बेटा, वो ये बताती हैं कि श्री कृष्ण जी की तस्वीर सामने लगाओ या भगवान की तस्वीर सामने लगाओ और किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचो और उनके खानदान में जो वाकई में बहुत काबिल इंसान होता है उसके बारे में सोचना और उसकी कदर करने के लिए बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा, क्योंकि जिस तरह से माँ के उस वक्त के भाव होते हैं, औलाद का जो अंदर उसका डेवलप होना है बेटा, वो उसी प्रकार से होता है। और सच बात यही है कि जिसके बारे में उस वक्त में औरत ज्यादा सोचती है खानदान में, उसी के ऊपर उस आने वाले बच्चे की शक्ल भी जाती है और उसके
विचार सुर भी सामने रखने को बोला जाता है। ये चीज बेटा दूसरी बात, जब बच्चा पेट में पल रहा होता है बेटा, उस वक्त में माँ की इम्यूनिटी का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उस वक्त में उसमें बहुत सारे बदलाव आने के कारण उस अवस्था के अपनी ऑर्गन डिस्टर्ब होती है, तो बहुत जल्दी उसको छोटी छोटी चीजें पकड़ती हैं, जिसके कारण की गर्भवती महिला को ज्यादा से ज्यादा समस्याएं भी आती हैं बेटा। तो इसको ठीक रखने के लिए हमें सबसे पहले तो वो चीजों का खान पान अपने जीवन के अंदर जरूर रखना चाहिए जो औरत को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे और उसको स्ट्रांग बनाए। और वो चीज क्या है, तो उसको इंटरनली स्ट्रांग बनाने के लिए बेटा नारियल, कच्चा नारियल ये सबसे उत्तम है, दूध सबसे उत्तम है जो उसको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, नारियल पानी भी वही चीज करता है। और औरत के अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए, और ये तो कुदरती बात है कि उस समय खट्टा खाते हैं, लेकिन संतरा और मौसमी का प्रयोग बेहद बेहतर है, ठीक है। इससे औरत अंदर और बाहर दोनों से स्ट्रांग होती है, जिससे कि आने वाली बाहर की विपदाओं से उसको बचाव रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त में मंगल को स्ट्रांग रखना सबसे उत्तम है, और उसके लिए मैं उपाय बार बार बताता हूं कि जब भी औरत गर्भवती हो जाए तो उस वक्त में एक लाल रंग के कपड़े की, सूती कपड़े की कतर काट के उसकी बाजू के ऊपर बांध देनी चाहिए, और एक पीतल के बर्तन के अंदर दूध और दूसरे पीतल के बर्तन के अंदर शहद भर के, और दोनों के ऊपर पीतल का ढक्कन लगा के जिस कमरे के अंदर ये जचा सोती है बेटा, वहां पर ओपनली कहीं पर भी रखा जा सकता है, और ये तब तक रखे रहना है जब तक कि उस औरत की डिलीवरी नहीं हो जाती। जैसे डिलीवरी हो, सबसे पहले घरवाले वो दोनों बर्तन उठा करके मंदिर में दें, और जो उसके बच्चे जो माँ के बाजू के ऊपर लाल रंग की कतर बांधी गई थी कपड़े की, वो उतार के बच्चे की बाजू में डाल दे और अपनी स्वयं की नहीं बांध दे। इससे मंगल बहुत स्ट्रांग रहता है, इससे माँ और आने वाला बच्चा दोनों ही बहुत स्वस्थ और बहुत ही अच्छे रहते हैं। और जहां सवा महीना हो जाए, 41 दिन 43 दिन हो जाए, बच्चे के लिए वो जो बांधी हुई थी कतर और जो माँ के बांधी हुई, ये दोनों खोल के जाकर जल प्रवाह कर दे। इससे बेटा बच्चा भी स्वस्थ, माँ भी स्वस्थ, माँ को कभी कोई बुरी नजर नहीं लगेगी और बाहरी कोई भी दिक्कत माँ को नहीं सताएगी। और यही जो मैंने अभी खानपान बताया बेटा, जिसके अंदर की नारियल पानी, नारियल की कच्ची घी और साथ में संतरे और मौसमी का जूस वगैरह, और ये और दूध का सेवन, ये माँ को अंदर से स्ट्रांग करेगा और बाहरी ये, इनको आप करके देखिए। जच्चा बच्चा यानी कि माँ बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, किसी तरह की विघ्न के बिना दुनिया के अंदर बच्चे का आगमन होगा और स्वस्थ रहेगा, खुश रहे। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ प्रशांत नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए, फिर सवाल करिए। जन्म का स्थान है न्यू दिल्ली, और मेरी डेट है 10 मार्च 2001, और टाइम है 8:36 रात में। मैं गुरु जी से पूछना चाह रहा था कि 12वीं पास कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करूँ, मतलब कौन सा मतलब मेरे लिए अच्छा होगा। तुम्हारी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु, ये सबसे पहले तो तुम्हारे खानदान में किसी न किसी को या तो सांस की तकलीफ देता है या टीबी या पैरालाइज की कोई दिक्कत देता है। और अगर जीवन के अंदर कभी भी बेटा अपना जो घर है वो रोड के लेवल से नीचे चला जाए, फिर ये जीवन के अंदर बहुत दुख देता है। तुम्हारे अंदर कार्यक्षमता अच्छी है, लेकिन केतु के खराब होने की वजह से अगर आसपास के माहौल के अंदर, अपने भाइयों में, अपने यार दोस्तों में कमियां निकाल निकाल के अगर तुम्हें अलग होने की आदत पड़ गई, तो ये आने वाले समय के अंदर तुम्हारे लिए बहुत घातक होगी। एक ये चीज, चंद्रमा के 12वें स्थान पर बैठने से ये विदेश के अंदर जिंदगी को कुछ ज्यादा ही अच्छा रखता है बेटा, इसीलिए घर से दूर जाकर के काम करना या घर से दूर जाकर के विदेश के अंदर जाकर के काम करना तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, जिसके कि योग भी बहुत अच्छे हैं और नौकरी के योग ज्यादा अच्छे हैं। और नौकरी किसी भी तरह की बेटा, बुध देव तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, और ये जब नौकरी देते हैं बेटा तो किसी भी तरह के क्रिएटिव काम के अंदर उतरना, जो अपने दिमाग से सोच विचार करके स्वयं बनाया जाए चलाया जाए, इस तरह के किसी भी काम के अंदर चलाते हैं। जितने भी लोग एनिमेशन में हैं, जितने भी तरह के लोग ये सिग्नल वगैरह डेवलप करना या इनके बारे में समझना समझाना इसके कामों में है, या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं बेटा, ये सब इसी योग में उत्पन्न होते हैं। और इसके अलावा किसी भी चीज के दलाली के काम, यानी कि काम किसी कंपनी के लिए करना और उसमें कमीशन खाना बेटा, इस तरह के कामों के लिए तुम्हारी कुंडली बेहद बेहतरीन है, समझिए। अब बात क्या है,
रुकावट क्या आएगी? रुकावट ये है कि इस बुध के अंदर कुछ ज्यादा ही समझदारी होने के कारण ऐसे में बुद्धि पूरी स्थिर नहीं होती और पूरी तरह से आदमी डिसीजन लेके कर नहीं पाता। उसको ठीक करने के लिए तांबे का एक छेद वाला पैसा लेके सफेद रंग के धागे में पिरो के अपने गले में धारण करो और इसे कभी मत उतारना। चांदी, चावल, गंगा जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर अपने घर पे रखो और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ और 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर में और हर साल काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में देना। बेटा ये उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से सारे रास्ते मिलेंगे और जो मैंने तुम्हें बताया इन चीजों से रिलेटेड किसी भी तरह के कोर्स के अंदर तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहे। तुला राशि वालों के लिए आज सामान्य दिन है, कामकाज में भी सामान्य हालात चलते रहेंगे और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली आज नजर तो जरूर आएगा और परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर अपना कोई कामकाज में बदलाव सोचना चाहते हैं, कहीं काम शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, उसकी सोच के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है और लोगों के साथ में भी आज अच्छे संबंध स्थापित होंगे और परिवार के साथ भी हंसी खुशी के साथ दिन कट जाएगा। धनुराशि वाले आज मस्त मौला रहेंगे, जो भी काम करेंगे पूरी अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार करेंगे क्योंकि आज का दिन उनके लिए शुभ है। घर में किसी के आने से भी खुशहाली का माहौल बन सकता है और मन में पूरा दिन प्रसन्नता देखने को मिलेगी। गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभार इंसान को नहीं बल्कि घर, दुकान, मकान इनको भी नजर लग जाती है। अगर हमें पता चल गया है कि नजर लग गई है तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? बेटा घर, मकान, दुकान इनको भी, ये सच बात है बेटा, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद या खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए होते हैं उनके लिए खास तौर पे कहा जाता है कि आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सबको लेकर के बढ़ेंगे, लेकिन आपकी संपत्ति को नजर लगने के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो बेटा संपत्ति को भी नजर लगती है, ये बात बिल्कुल सत्य है और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे असूल बनाए थे और उसमें जो खास तौर पे कहा जाता था कि भोजन भजन जरो और नारी चारों पर्दे के अधिकारी, यानी कि भोजन जब भी आप करो वो कभी किसी के सामने, बाहर वालों के सामने नहीं करना चाहिए, आप एकांत में करें। और नारी के लिए, क्योंकि नारी सुंदर भी होती है इसलिए उसे भी जल्दी नजर पकड़ती है। और दूसरा जर यानी कि पैसा, तो बेटा वो भी ऐसा होता है कि किसी की भी नजर लग सकती है। और इवन भजन यानी कि जो आप परमात्मा की भक्ति करते हो वो भी अगर छुपा के की जाए तो वो तभी फलीभूत होती है, किसी के सामने परमात्मा की भक्ति की हुई वो भक्ति नहीं होती, वो सिर्फ दिखावा होता है और ये बात सत्य है। और इसी कारण से जितने हमारे ऋषि मुनि रहे हैं या जितने भी भक्त होते हैं वो एकांत ढूंढते हैं। जो बड़े बड़े साधु रहे हैं वो जंगलों के अंदर जा जाके क्यों तपस्या करते हैं जहां जानवर भी उनको ढंग से नहीं देख पाते, समझे? उसका रीजन यही है बेटा। तो इसीलिए ये कहावत बनी थी भोजन भजन चरो और नारी चारों पर्दे के अधिकारी, ठीक है, वो इसी नजर से ही बचते हैं। और ये अगर नजर लग जाए तो बेटा इसके लिए सबसे उत्तम है, अगर संपत्ति को नजर लगी तो ऐसे में क्या करते हैं, थोड़े से उड़द साबुत के दाने लेकर के सुबह के वक्त में आप अपने कार्यस्थल के ऊपर जाकर, अपने ऑफिस के अंदर जाकर के जब आप शटर खोले या दरवाजा खोले वहीं से अंदर बिखेर दें। अंदर बिखेर के बेटा बाद में झाड़ू लगता है, साफ सफाई होती है, उस साफ सफाई में इकट्ठा करके एक कोने पे रख दें। और लेकिन रात्रि के वक्त में जाते वक्त उसको उठा करके लेके जाए और उसे ऐसे स्थान पर फेंके कि जहां पर लोगों के पांव ना लगे, ठीक है। इस प्रकार से 27 दिन लगातार करना होता है, इससे हमारे कामकाज को लगी हुई नजर वो हट जाती है। लेकिन अगर घर में नजर लगी और घर के परिवार के सारे सदस्य ही अस्वस्थ होने लगे हैं और वो पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे तो उसका अलग उपाय है। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है बेटा, एक जो घर का मोहरी इंसान है, जो घर को चलाता है, उसके कद जितना लंबा आपको काला धागा लेना है और उतनी ही लंबाई के उसके 7 या 9 तंद कर लेने हैं। यानी मान लीजिए कि कोई 5 फुट 4 इंच का है या 5 फुट 9 इंच का है तो 5 फुट 9 इंच का वो धागा लेकर के और उसको 9 बार आपने उस तंद को 5 फुट 9 इंच का वो लपेट के लंबा कर लेना। उसके बाद उसे फोल्ड पे फोल्ड करते रहो बेटा,
और तब तक फोल्ड करना है जब तक कि इतनी बड़ी वो बत्ती नहीं बन जाती। उसके बाद उसको सरसों के तेल के अंदर डुबोना है। सरसों के तेल में डुबो करके अपने घर में ही किसी ऊंचे स्थान पे या कील के ऊपर उसको टांग के बेटा तुम्हें उसको आग लगानी है। और इसके अंदर जब तक वो टिप टिप करके गिर रहा है आपने तब तक इसको सुबह और शाम जलाना है। और जब लगातार धागा जल करके जाने लगे तो समझ लो नजर उतर गई। और जब तक वो टपक के गिर रहा है तब तक नजर अभी बाकी है घर के अंदर। तो बेटा ये घर को बचाने के लिए ये वाला और व्यवसाय संस्थान को बचाने के लिए उड़ा साबुत वाला, इस उपाय को याद रखोगे तो ये बुरी नजर भी अपने पास से दूर जाएगी। गुरुदेव अक्सर नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं, काजल भी लगा देते हैं, काला धागा बांधते हैं, अभी आप भी बता रहे थे, इसके पीछे क्या कारण होता है और क्या ये करना सही है, और अगर सही है तो सही तरीका क्या है ये करने का? बेटा सही मायने में जब हम कोई भी भाव विभोर होकर के या किसी बुरी दृष्टि से किसी को देखता है तब नजर लगती है। सही मायने में नजर को भटकाना होता है। और काला टीका जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि आदमी के जब चेहरे के ऊपर किसी की निगाह जाए और काले टीके को जब वो देखे तो कुछ न कुछ एक भाव पैदा हो जो दूसरा ही किसी तरह का भाव हो और वो उसके भाव को रोक सके और वो नजर के वेग को रोक सके। इसी वजह से बेटा वो काला टीका लगाया जाता है। और जो घर के बाहर भी आप देखते हैं कि कभी भी नया घर बनाते हैं या कोई अच्छा संस्थान है तो वहां नजर बट्टू लगाते हैं और उसकी भी शक्ल ऐसी होती है, उसका लाल रंग में जीभ निकाल देते हैं, काला रंग कर देते हैं। बेटा वो डरावना नहीं एक्चुअली में होता है, उसको डराने के लिए नहीं लटकाया जाता, उसको इसीलिए लगाया जाता है कि नजर इसी पे से ना हटे तो बाकी घर को नजर ना लगे, इसलिए होता है। और अब तो नई वो चाइनीज भी आए हैं कि उसके अंदर वो गोल गोल से नीले और काले रंग के और सेंटर में एक आंख बनाई है। वो सही मायने में वो एक प्रक्रिया होती है बेटा कि कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेट करने के लिए उस बिंदु को प्रयोग किया जाता है। समझे, जो लोग अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं वो तो जानते हैं बेटा कि वो दीवार पे एक बिंदु लगा के उसे घंटों ताकते रहते हैं। वो उस आधार पे वो नजर बट्टू बनाया गया चाइनीज वाला। और ये सच बात है कि उसको जब कोई देखता है तो बड़े गौर से देखता है, जबकि उसको रोज भी देखता हो तब भी उसे गौर से देखता है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है बेटा उसको लगाने के लिए। तो सही मायने में ये जो जितने भी नजर बट्टू बनाए गए हैं, ये काला टीका बनाया गया, ये नजर को भटकाने के लिए ताकि आपके ऊपर नजर ना लगे, और ये करना बहुत जरूरी होता है बेटा। और ये जो कई माएं कान के पीछे लगा देती हैं काला तिलक, वो ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर फर्क पड़ना है तो ये लगाया जाता है, या ये गाल के आसपास, ये माथे के साइड के ऊपर कहीं ना कहीं ये लगाया जाता है ताकि जब भी किसी की नजर जाए तो वो उस काले टीके को जरूर देख ले। तो इसीलिए कान के पीछे नहीं, अगर बच्चे का लगाना भले गाल पे यहां लगा दो चाहे यहां माथे पे लगा दो, जो सबको पूर्ण रूप से नजर आए वो बच्चे को नजर टोक से बचा के रखता है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे पर उससे पहले जानना चाहेंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज सिर्फ एक ही प्रकार की खुशखबरी हो सकती, वो है कि किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको कोई कार्य सिद्ध हो सकता है जिसमें आपको लाभ होगा। इसके अलावा पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और घर में किसी से विवाद भी हो सकता है, इसीलिए सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा जा सकता है। कुंभ राशि का आज दिन आपकी अपनी समर्थता अपने कर्म के ऊपर निर्धारित है। कहने का मतलब आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन मेहनत करेंगे तभी हो। और बड़ों का आदर अगर आज आप करेंगे, उनको सम्मान देंगे, तो ही आपका दिन बेहतर रहेगा और परिवार के सुख अच्छे मिलेंगे। मीन राशि, आज कामकाज में सफलता मिलेगी, आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव है और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। गुरुदेव, कभी कभार तो ऐसा होता है, इतना दुष्प्रभाव होता है बुरी नजर का कि इंसान बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है, गंभीर बीमारियां उसे हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बेटा ये होती है मंगल की नजर, और ये भी मंगल की जो नजर होती है
ये वाक्य में जो कहते हैं ना कि चिढ़ करके या एक बुरा भाव रख करके जो नजर लगती है, समझिए जेलस की जो भावना होती है उसकी नजर जब लगती है, ये नजर ऐसी होती है बेटा, ये हमारे ऑरा में मंगल की एनर्जी को टोटली डिस्टर्ब कर देती है। और ये जब होती है बेटा, पेट दर्द, आंखों और सर में दर्द, समझिए बुखार का होना, समझिए और किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा स्तर तक बढ़ जाना कि खाने का भी मन ना करना, समझिए क्योंकि मंगल से ही पेट है, भूख भी मंगल से ही है, तो इसीलिए बेटा खाने का भी मन ना करना, इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाते हैं जब मंगल की नजर लगती है। और ये कहीं ज्यादा समय तक रह जाए और ये ना उतरे या इसका असर ना जाए तो बेटा ये किसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेती है। ठीक है, इस नजर को उतारने का वही तरीका बेटा जो सदियों से चला आ रहा है कि आप 7 लाल मिर्च साबुत ले, डंडी वाली, ठीक है, उसकी बताया डंडी भी होनी चाहिए, वो साबुत लाल मिर्च लेकर के ऐसे इंसान के सर से लेके पांव तक इसको 7 बार उतार करके और पहले से ही आग जला करके रखें। ये नहीं कि जब आप उतार के ले आए उसके बाद आप आग जलाओगे फिर वो थोड़ी उभरेगी और उसके बाद आप मिर्चे डालोगे उसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नजर उतारने से पहले ही तसले वगैरह में आग जला करके रखें, उपले की कोले की कुछ भी जला सकते हो बेटा। उसके बाद जैसे ही आप उसके ऊपर से उतारते हो 7 बार, साथ ही वो उतार करके वो आग में डालनी और वो इंसान वही पास में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कम 5 से 7 बार ऐसे इंसान की नजर उतारना इस बुरेपन से छुटकारा दिलाएगा। और खास बात इसमें यही कि जब आग के अंदर मिर्चे वो डालनी है तो वो जिसको नजर लगी है वो शख्स वहां पर खड़ा होना चाहिए, समझिए, और कम से कम 1-2 मिनट तक वहां पर खड़ा रहे, इस चीज का खास ध्यान रखे। तो यही सबसे घातक नजर है जो इंसान की शरीर को भी, बुद्धि को भी, स्वभाव को भी, सबको खराब कर देती है। तो इस नजर का खास तौर पे इलाज का ध्यान रखना चाहिए। खुश है गुरुदेव, एक सवाल पूछना चाहूंगी। अभी आप उपाय बता रहे थे तो आपने कहा कि मिर्च का उपयोग करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है घर के बाहर या खासतौर पर दुकान के बाहर नींबू मिर्च लगाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? और उसके साथ साथ शो खत्म होने से पहले खास गुरु मंत्र बेटा, यही गुरु मंत्र देता हूँ। ये जो नींबू मिर्च है, पीले का दुश्मन हरा और हरे का दुश्मन पीला, यानी कि बुध और बृहस्पति। नींबू पीला बिल्कुल, ये बृहस्पति और केतु कारक होता है। हरी मिर्च ये प्रॉपर पूरा बुध लेकिन मंगल की ताकत लिए हुए ये हरी मिर्च होती है, समझे। और दो विपरीत कलर जहां भी होंगे बेटा, जैसे काला सफेद, लाल सफेद, लाल काला, ठीक है, और हरा और पीला, ये नजर को भटकाने के लिए बहुत होता है। इसके ऊपर कभी भी नजर नहीं टिक पाती और इसके अंदर खास तौर पे ताकत का भी समावेश हो, जो कि बृहस्पति और मंगल और बुध के जो इस पूरी कायनात को चलाता है इसकी ताकत का भी समावेश हो और इसकी खुशबू भी साथ में जो होती है। तो ये सच में किसी भी तरह का व्यापारिक संस्थान हो, हमारा घर हो या कोई भी ऐसा संस्थान जिससे कि आपकी रोजी रोटी चलती है, वहां पर नजर बिल्कुल नहीं लगने देती। इसीलिए इसको कभी भी ढकोसला समझने की गलती बिल्कुल ना करें, नंबर एक बात। नंबर दो, जब ये नींबू और मिर्च पिरोई जाती है, इसके अंदर एक नींबू ऊपर की तरफ है और नीचे कम से कम 5 मिर्च, नहीं तो 7 मिर्च और 9 मिर्च तक भी अटकाई जा सकती है। और ये काले धागे में ही होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें कि काले धागे के अंदर ही ये प्रयोगी होनी चाहिए। और इसको टांगने के पीछे वाकई विधान, लोग शनिवार के शनिवार ये लगवाते हैं और उसके बाद पुरानी उठाकर फेंक देते हैं। और ये भी बात सत्य है बेटा कि ये जो टांगा जाता है इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी उठाया और निकाला और इसे कहीं पर भी रोड पर फेंक दिया। जो लोग ये कर्म भी करते हैं उनके भी ग्रह खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आप ही के संस्थान की है और आप ही के संस्थान की उनके साथ में एनर्जी जुड़ी होने के कारण बेटा उसको स्वयं अच्छा बनाकर के चलाए रखने के लिए इसको या तो उतार के इकट्ठा करते रहो और जब भी कभी वक्त मिले इसे जल प्रवाह करो, नहीं तो इनको एक लिफाफे के अंदर इकट्ठा करते रहो और जब भी वक्त मिले इनको जाकर के किसी जंगल में ऐसी जगह पर रख करके आए, बड़े पेड़ के नीचे छोड़ के आए कि जहां पर किसी का पांव ना पड़े और इसका अनादर ना हो।
इसको भी सम्मान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं दिया और ऐसे निकाल निकाल के आप रोड पे फेंकते रहे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका अच्छा खासा बड़ा हुआ जो संस्थान है उसके घटने के भी हालात पैदा होंगे, क्योंकि जो मर्जी है बेटा ये बुध मंगल और बृहस्पति की एनर्जी है और इसका भी अनादर भारी पड़ सकता है फ्यूचर में, तो इसीलिए ये नींबू और मिर्च का आदर करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। नजर ये तो क्या होती है, इससे कैसे बचा जाए? अब मुझे लगता है कि इससे संबंधित आपके दिमाग में कोई प्रश्न था नहीं होगा, कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश रखे, खुशियां बख्शे।